अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज मैंने बनाया है बहुत ही ज्यादा मजेदार और सबको पसंद आने वाला कैरेट केक। बहुत ही आसानी से बनता है लेकिन टेस्ट में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो फिर आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी के मुताबिक जरूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही दुआ है कि अल्लाह आपके खानों में जायका और रिस्क में बरकत दे। तो चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें और इस बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फौरन टाइम पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार कैरेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्स करेंगे इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने ऐड किया है मैदा 1 कप और ग्राम में है ये 100 ग्राम, और इसके ऊपर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। बस इसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये मिक्स होता है तो फिर इसको साइड में रख के मिक्स करते हैं हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए एक बोल में मैंने लिए हैं अंडे 3 अदद और इसको बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट करेंगे। और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 1 कप और ग्राम में है ये 90 ग्राम। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि चीनी अंडों के साथ मिलकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जैसे ही चीनी अंडों के साथ मिक्स होती है तो फिर ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप और ग्राम में है ये 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसको मजीद 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर देंगे हमारा मिक्स किया हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर। मैदा ऐड करने के बाद हमने बस इसको 1 मिनट के लिए ही मिक्स करना है। और 1 मिनट बाद इसमें ऐड कर देंगे गाजर 1 कप, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। गाजर को इस बैटर के अंदर अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो बस हमारा केक का बैटर तैयार है। अब तैयार करते हैं इसका बेकिंग पैन, जिसके लिए एक पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून और उसको एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला देंगे। और ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसकी वजह से हमारा केक बहुत ही आसानी के साथ इस पैन में से निकल जाएगा। तो बस फिर ऐड कर देंगे इसके ऊपर हमारा केक का बैटर। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और फिर करते हैं इसको बेक, जिसके लिए एक बड़े पतीले में स्टैंड रखकर उसको कवर करके 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर प्रीहीट कर लिया था। और बेकिंग पैन ऐड करने के बाद इसको दोबारा से कवर करके बेक होने देंगे, पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ही और फिर 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। देखिए टोटल 40 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा मजेदार कैरेट केक तैयार है। देखिए कितनी आसानी के साथ घर पर ही इतना मजेदार केक बेक हुआ है। तो बस इसको कट कर लेते हैं। देखिए कितना मजेदार और सॉफ्ट बना है और माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर मेरी रेसिपी के मुताबिक आप अपने घर में जरूर बनाइएगा और फिर इसको सुबह नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ सर्व करिएगा। इंशाल्लाह सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखते रहे और उन्हें लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर करते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।